भी आई है, वजह से पूरा आपका नाइन मंथ्स मुबारकबाद देने चाहते हैं जनाब मोदी साहब को। आज देखो गरीबों का हर महीने के अंदर दो बार कैंप लगाया जाता है और डीसी साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ख़ासकर इस बीजेपी सरकार जो है इसने इतने गरीबों के काम किए हैं कि मत मानिए जाए। और जितनी देखो दवाइयाँ सरकारी लग रही हैं, मकान सरकारी लग रहे हैं, हर फैसिलिटी जो पूरी है मोदी साहब दे रहे हैं, फिर भी बोलते हैं कि ये अच्छे नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं ख़ासकर एसएसपी साहब युगल मनास और डीसी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये आवाम देखो महीने में दो बार कैंप अलाट किया जाए। मेंढर बनोला गांव का चुमान हूँ मैं, रहने वाला हूँ, अब्दुल नहीं मेरा नाम है। ये मेडिकल कैंप हमने आज ऑर्गेनाइज पूंछ में किया है क्योंकि वही साहब की जो हमारे पास फैसिलिटीज़ है वो अभी यहाँ हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। लाइक वी हैव अ मोबाइल एंडोस्कोप और मोबाइल एंडोस्कोपी की काफ़ी ज़रूरत है। हमने देखा वी हैव बीन गोइंग टू फार फ्लंग एरियाज लाइक गुरेज, बांडीपोरा, उस एरिया में यहाँ से पहलगाम, मेनी अदर एरियाज जो रिमोट एरियाज हैं, विद द मेडिकल टीम एंड ऑल्सो द इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट में वी हैव अ मोबाइल एंडोस्कोप, वी हैव अ अल्ट्रासाउंड, वी हैव अ ईसीजी, देन वी ऑलवेज हैव अ टीम ऑफ सीनियर डॉक्टर्स जो पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं, उसके बाद दे सजेस्ट द मेडिसिन विच दे नीड एंड वी प्रोवाइड मेडिसिन ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस वी हैव फॉर सिंस 2011 ऑल ओवर द स्टेट। नहीं, आज जो इन्होंने मुझे बताया सीएमओ साहब ने, मोर देन 40 पेशेंट्स आज एंडोस्कोपी के लिए आए हैं। तो मेरे जो सीनियर डॉक्टर है जो एंडोस्कोपी करते हैं, ही इज ट्रेंड फ्रॉम यूएस न्यूयॉर्क से, तो उन्होंने कहा कि हमें रात भी यहाँ गुजारनी पड़ेगी, हम सारे पेशेंट्स को देखेंगे। आज सुबह हमने शुरू किया 10:30 से एंड इट विल गो अप टू लेट इवनिंग, जब तक सारे पेशेंट्स नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं। देखिए ये हमारे पूंछ में खासकर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वाले बहुत बड़े पेशेंट हैं और उनको मैदे का जो टेस्ट जो एंडोस्कोपी कहते हैं वो करवाना पड़ता है। तो लास्ट टाइम जब हमने कैंप रखा था उस वक्त भी ये एक हमारा पार्ट था कि हम एंडोस्कोपी की भी सर्विसेज यहाँ पर करेंगे, लेकिन उस वक्त ये फैसिलिटी ना मिलने की वजह से हमारे डिस्ट बड़े पार्टिकुलर थे। और अभी जो एक एनजीओ है अहमद एंड हारिस खान चैरिटेबल ट्रस्ट, ये एक श्रीनगर बेस्ड एनजीओ है, उनसे कांटेक्ट किया और वो इंटरेस्टेड, उन्होंने कहा कि हम ये सर्विसेज देंगे, उसी के लिए हमारे पास आज कैंप जो है यहाँ लगा हुआ है। और तकरीबन हमारे पास इसको 60 केस पेशेंट जो हैं वो एडमिटेड हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन हो गई है और ये सर्विस स्टार्ट हो गई है। ये टीम जो है श्रीनगर से आई है और लोगों को ये फैसिलिटी दी जा रही है। वो चीज़ें जो इस वक्त हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये एक सुपर स्पेशलिटी की सर्विसेज है जो कि मेडिकल कॉलेज में होती है। तो हमारे पास, हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे लोगों को ये बेनिफिट मिल रहा है और उस एनजीओ के भी हम बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने खुद वॉलंटियरली अपने आप को ऑफर किया और आके हमारे लोगों को ये सर्विस दी। और वही कैंप चल रहा है जो वन डे कैंप है और ऑलमोस्ट जो है लेट आवर्स तक चलेगा, उसको कवर करना है उन्होंने सारे। ऐसा ही है कि आज बहुत सारी एनजीओज जो हैं वो ऑफर कर रही हैं ऐसी सर्विस कि हम आके वहाँ सर्विस देना चाहेंगे, तो हम कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ की है, हम कोशिश करके इस चीज़ को अरेंज करेंगे कि वो फैसिलिटीज़ जो भी हमें एनजीओ मिलती है तो अगर वो फैसिलिटी हमें यहाँ लोगों को दे सकते हैं तो लोग जाके जम्मू में या श्रीनगर में परेशान ना हो तो उनको यहीं पर वो टेस्ट वगैरह हो जाएं ताकि लोगों को बेनिफिट हो सके। तो हमारा प्लान में है कि हम फ्यूचर में भी ऐसी चीज़ें करते रहेंगे। नेचुरली डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट जो करता है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन एक हेल्पफुल होती है उसके साथ, अगर ये हो जाएगी तो उससे वो बेटर ट्रीट कर सकेगा।
तो ये ज़रूरी होता है और बिलखसूस डॉक्टरों को भी तो फ़ायदा है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा जो है पेशेंट को है, क्योंकि हमारा पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो जम्मू जाके इतना बड़ा खर्चा करे और अपन टेस्ट करवा के लाए। तो डॉक्टरों की उस पेशेंट की ओवरऑल ट्रीटमेंट में डॉक्टर तो पेशेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो दोनों को फ़ायदा होने वाला है इसमें।